नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रखा हूँ, भारतीय पर्व और महोत्सव ले रखा हूँ, जो आपको 100% किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे, चाहे आप SSC, रेलवे या फिर स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे, सभी में आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है। खासकर SSC वाले और रेलवे वाले जरूर ध्यान दें, क्योंकि आपके शिफ्ट में, आपको बता दूं कि हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं, याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्या दे रखा है, देखिए मैं पूरा डिटेल में लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, मैं भारत की प्रमुख पर्व लेकर आया हूँ और स्टेट के जो स्टेट से हैं वो उसका पूरा लेकर आया हूँ। देखिए, अगर आपसे सरहुल त्योहार की पूछे तो कहाँ पर मनाया जाता है, झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, झारखंड के अंदर। गुड़ी पर्वा, खंडोबा महोत्सव, ये सभी पूछे जाए तो याद रखिए कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बचुआ, देखिए बचुआ महोत्सव या बिहू पर्व है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, असम में। देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है, हर मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है, असम में, और बचुआ महोत्सव ये असम में, दोनों याद रख के रखिएगा। अगर ट्यूलिप फेस्टिवल पूछे, देखिए ट्यूलिप पूछे तो कहाँ पर मनाया जाता है, याद रखिएगा ये जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप कहाँ पर, ट्यूलिप गार्डन भी याद रखिए जम्मू कश्मीर में, और याद रखिएगा फेस्टिवल पूछा जाए तो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, इंपॉर्टेंट है। गणगौर, देखिए गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, याद रखिए राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और याद रखिए कालबेलिया महोत्सव भी कहाँ पर मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। उत्तरायण, अगर आपसे उत्तरायण या फिर रण महोत्सव पूछे तो कहाँ पर मनाया जाता है, गुजरात में। उत्तरायण का मतलब जो पतंग महोत्सव एक तरह से बोल सकते हैं, उत्तरायण या रण महोत्सव कहाँ पर, गुजरात में। हार्नबिल फेस्टिवल पूछे, हार्नबिल फेस्टिवल याद रखिएगा नागालैंड में, ये मतलब आपको बता दूं हर चैप्टर में लगभग पूछा जाता है हार्नबिल फेस्टिवल से, तो याद रखिए कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में, ठीक है। अगर आपसे पूछे पोंगल पूछे या फिर देखिए पोंगल, जल्लूकट्टू या फिर थाईपुसम या नाट्यंजलि पर्व है, ये चारों याद रखिए, चारों इंपॉर्टेंट है, पोंगल महोत्सव, जल्लीकट्टू और थाईपुसम और नाट्यंजलि, चारों याद रखिए तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर, तमिलनाडु में, आपकी डिटेल लेकर आया हूँ पूरी, याद रखिए। देखिए हरेली महोत्सव, हरेली त्यौहार पूछे या बस्तर पूछे, कहाँ पर, छत्तीसगढ़। देखिए हरेला पूछे तो याद रखिए उत्तराखंड में, अगर हरेली लिया जाए, याद रखिए लिया जाए छोटी बड़ी की मात्रा, तो हरेली याद रखिए कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। गुरेज पर्व या शिकारा महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक लेमेंडर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था, या ट्यूलिप फेस्टिवल याद रखिएगा। मांडू महोत्सव या लोकरंग महोत्सव कहाँ पर, ये सभी को पता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कौन सा नुआखाई महोत्सव पूछे या रज महोत्सव पूछे, कौन सा नुआखाई या रज महोत्सव, तो कहाँ पर, उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पर, उड़ीसा में। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ये सभी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कलर चेंज कर लेते हैं कलर, ठीक है। देखिए अगर आप पूछा जाए आपसे, देखिए यहां पर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जगन्नाथ और याद रखिएगा कौन सा नुआखाई, ये तीनों याद रखिए, रज महोत्सव, नुआखाई और जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा कहाँ पर, उड़ीसा में। उड़ीसा के जितने भी नृत्य पूरे याद कर लीजिएगा। हेमिस पूछे कहाँ, कौन सा हेमिस पूछे लद्दाख के अंदर, याद रखिए लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क भी है, और हेमिस फेस्टिवल पूछे तो कहाँ पर, लद्दाख में। सिग्मो, अगर सिग्मो पूछे तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है, गोवा के अंदर मनाया जाता है। लोसांग पूछे, लोसांग त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, लोसांग और पांग लवासोल त्यौहार कहाँ पर, सिक्किम में। कौन सा लोसांग पूछे तो सिक्किम में। ओणम बिशु, देखिए बिशु लिखा है, बिहू नहीं लिखा हो, बिहू लिखा रहता तो असम में, बिशु पूछे तो बिशु ओणम याद रखिएगा। अल्पसी उत्सव ये कहाँ पर, केरल में मनाया जाता है। अगर आपसे फुलदेई महोत्सव पूछे या हरेला, देखिए मैंने अभी आपको बताया था हरेली बताया था कहाँ कर, छत्तीसगढ़ का, लेकिन यहाँ पे हरेला है, हरेला पूछे या फुलदेई पूछे, याद रखिए फुलदेई, क्योंकि फूलों की घाटी अगर आपसे पूछा जाए तो किसको बोला जाता है, उत्तराखंड को बोला जाता है, तो वहां पर फुलदेई महोत्सव भी मनाया जाता है उत्तराखंड में, ये याद रखिएगा। छठ पूजा, बिहुला महोत्सव या मधुश्रावणी ये कहाँ पर, बिहार में। देखिए आपको छठ पूजा पूछा जाता है 100%, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, बात्सल्य मेला सिर्फ मात्र एक ही दिल्ली का, तो बात्सल्य मेला ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन याद ध्यान दीजिएगा नई दिल्ली में, ठीक है। संगाई महोत्सव 10 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है, वो चराई, देखिए चराई महोत्सव भी पूछा जा चुका है,
और चिंगमा महोत्सव, कांग चिंगमा महोत्सव यह कहाँ पर, मणिपुर में, इसको भी आप याद रखिएगा। तीनों फेस्टिवल संगाई महोत्सव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये कहाँ का, मणिपुर का है। चापचार कूट जितनी बार याद रख सके उतना महत्वपूर्ण है चापचार कूट, ये भी पूछा जाता है। चापचार कूट कहाँ पर, मिजोरम में, कहाँ पर, मिजोरम में। चापचार कूट कहाँ पर, मिजोरम में, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं खर्ची महोत्सव, मात्र एक महोत्सव है त्रिपुरा का, इसको याद रखिए, खर्ची महोत्सव पूछा गया है। ये खर्ची महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, त्रिपुरा में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिए। खर्ची महोत्सव मात्र एक है, एक एक उत्सव है और वो मनाया जाता है त्रिपुरा में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए सभी इंपोर्टेंट है, एक भी हल्के में बिल्कुल मैंने लिए क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, देखिए कुल्लू, कुल्लू आपसे कुल्लू दशहरा पूछे या कुल्लू मनाली का, आपको पता है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, तो इस तरह से आप रख सकते हैं। लोसार याद रखिएगा, लोसांग नहीं दे रखा, लोसांग पूछे तो सिक्किम में देखिए, और यहाँ पर क्या लोसार दे रखा महोत्सव, तो कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, हल्दा महोत्सव, चेट्रोल महोत्सव, लेकिन आपको एक ही याद रखना है, लोसार याद रखना है और कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश। होला मोहल्ला, होला मोहल्ला पूछे या गुरु पर्व पूछे या बैसाखी लोहड़ी, याद रखिए पंजाब में, आपको मात्र एक याद रखना है, होला मोहल्ला और वैशाली बैसाखी दोनों याद रखना है, तो पंजाब के अंदर मनाया जाता है। बोनालू, बोनालू याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोनालू से हर बार पूछा जाता है, बोनालू से। अब बिट्टू कम्मा, देखिए कम्मा इस तरह से क्वेश्चन पूछा है तो याद है, तो याद रखिए तेलंगाना में। बोनालू मात्र एक याद रखिएगा, बोनालू। ब्रह्मोत्सव, उगादी महोत्सव, ये दोनों याद रखिए, कहाँ पर मनाया जाता, आंध्र प्रदेश में। उगादी याद रखिएगा, उगादी इंपॉर्टेंट है ज्यादा, उगादी पूछा जा चुका है, तो उगादी कहाँ पे मनाया जाता, आंध्र प्रदेश में। दुर्गा पूजा मात्र एक है, ये पश्चिम बंगाल का, दुर्गा पूजा याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल का मात्र एक ही दुर्गा पूजा कहाँ पर मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में, इसको बिल्कुल भी ना भूले। हलपुनिया रोहनी टूसू महोत्सव, ये कहाँ पर, झारखंड में, कहाँ पर, झारखंड में मनाया जाता है। तो झारखंड के लिए आपको बता दूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नहीं देखना, देख रहे हैं इसमें से नहीं पूछा गया भी, ठीक है। आगे चलते हैं, भगोरिया हाट महोत्सव, मालवा उत्सव, तानसेन साहित्य महोत्सव, खजुराहो महोत्सव। देखिए आपसे तानसेन पूछा जा चुका है, खजुराहो पूछा जा चुका है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। किचोरी, किचोरी महोत्सव या मकर संक्रांति, याद रखिए किचोरी या मकर संक्रांति, ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक नृत्य भी याद रखिए, कत्थक, कत्थक है, रासलीला, ये सभी देखिए शास्त्रीय नृत्य कत्थक हो जाएगा। अगर आपसे लोक नृत्य पूछे तो कौन सा, रासलीला हो गया, ये याद रखिएगा, रासलीला, नौटंकी, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है, मैंने उस पर वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहोगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा। लुई नगाइनी महोत्सव, लुई नगाइनी महोत्सव कहाँ पर, याद रखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, नागालैंड, नागालैंड का एक महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, मैंने कौन सा बताया था, हार्नबिल महोत्सव मैंने आपको बताया था नागालैंड का। चेरी बिलाज में, ये इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगा सके लगा लीजिए चेरी बिलाज में, और नोक क्रेम महोत्सव और बांग्ला, ये तीनों याद रखिए, तीनों 100% पूछे जाएंगे, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, नोक क्रेम महोत्सव, बांग्ला महोत्सव, चेरी बिलाज में महोत्सव, तीनों इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगा सकते लगा लीजिए। मेघालय में मनाया जाता है, कहाँ पर, मेघालय में, तीनों इंपॉर्टेंट फ्रेंड मेघालय के, ठीक है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या देखा है, नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है देखिए कंबाला, आपसे पूछा जा सकता है कंबाला पर्व, देख कंबाला क्या, भैंसों की दौड़ होती है जिसमें सिक्के की पोटली लेके चलते हैं, ठीक है। तो कंबाला, कंबाला पर्व कहाँ पर, कर्नाटक, कर्नाटक का याद रखिए, कंबाला, कंबाला अगर आपसे पर्व पूछे तो कहाँ पर मनाया जाता, कर्नाटक में, इंपॉर्टेंट पर्व है, इसको बिल्कुल भी ना भूले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिए कंबाला पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ऊंट महोत्सव सभी स्टूडेंट को पता है, ऊंट और बीकानेर, ये सभी पता है आपको कि ऊंट महोत्सव कहाँ पर, बीकानेर महोत्सव, ये राजस्थान के सभी को पता है स्टूडेंट को। आपसे आप मुझे एक बात बताइए, मकर संक्रांति कहाँ मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। मकर संक्रांति हुआ, आप एक और बता देता हूँ, मकर संक्रांति का बाद आपको बता दूं, लोसांग, लोसांग बताइएगा, लोसांग, लोसार, लोसांग, लोसार, ये सभी बता रहा हूँ, ये सभी कमेंट बॉक्स में बताइए, लोसांग, लोसार, या फिर आप बताइएगा मुझे हार्नबिल फेस्टिवल, हार्नबिल फेस्टिवल, ये कमेंट बॉक्स में मैं जितने बता रहा हूँ इसका आंसर दीजिएगा। हार्नबिल हुआ, उसके बाद बता दूं आपको, और नुआखाई फेस्टिवल, ये इतने का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो। हाथी महोत्सव भी आपको पता है, जयपुर में, राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। देखिए जितने भी आपको जिन महोत्सव से क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे एक ही वीडियो में ले लिया हूँ, ठीक है। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है, और जो मैंने आपको बताया है उसका आंसर जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपने पूरा सेशन देखा हो तो।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा जल्द ही। अगर आप जिस टॉपिक को वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको उससे उसका टॉपिक आपको मिल जाएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।